आपके अगले ड्रामे में कौन है? अभी तो यही फैसला नहीं कर पाया कि अगला ड्रामा होगा या फिल्म, लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगा आपने आना है। सर आपके पास मेरा नंबर है। है जी, आपको कॉल आ जाएगी। कास्टिंग होगी सर, वो कास्टिंग आ गई। अहमद इस ड्रामे में नहीं, अगली दफा। नहीं अहमद भाई, कॉल तो आई है इससे पहले भी। सर आई थी सर, बेशक आई थी, बेशक मैं मानता हूँ इस बात को, कॉल आई थी, जरूर आई थी। इसी को कहते हैं कास्टिंग। नहीं नहीं, मगर मेरी भी रिक्वेस्ट सही थी। हाँ बिल्कुल जायस, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सैफी भाई ऑब्वियस बात है, इस मूछों का राज क्या है? इस मूछों का राज अच्छे अमाल। हाय हाय हाय, तो अच्छे पैड़े हो किसी। अच्छा मैं चार दिन से इनके साथ टेलीफिल्म कर रही थी, मूछों का तो नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर पूछा था ग्लोइंग स्किन का क्या राज है सैफी भाई? माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सैफी भाई मेकअप तक नहीं करते, मुंह धो के आते हैं ऐसे सेट पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मेकअप की? अगला कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप वाकई काम करना चाहते और अभी तक काम नहीं किया? नुमान एजाज के साथ काम नहीं किया मैंने। हैं? अरे वाह। सबा कमर के साथ मैंने काम नहीं किया, शाइस्ता के साथ भी नहीं, शाइस्ता ने भी एक्टिंग शुरू की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ, आपके साथ तो किया तो, नहीं नहीं मैंने और आपने तो माशाल्लाह, हमने तो बड़ा पहले भी किया हुआ। लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन सुस्त आदमी हूँ, कम काम करता हूँ, खूबसूरत काम करता हूँ और बस बेशक कहानी के हिसाब से दावत देता हूँ। कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिससे वाकई ही कि हाँ यार अगर मैं कभी अपना प्ले लिखूंगा तो इससे डायरेक्ट करवाऊंगा? बदर महमूद बहुत अच्छा डायरेक्टर है, उससे मैं करवाना चाहता हूँ। काशिफ निसार एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। सर क्या बात है जी, दो आंसर आ गए दोनों, क्या कमाल। शिराज उपल साहब आजकल कितने पैसे लेने गाने के? मुझे मैं तो सुना वाह वाह, ब्लैंक चेक से आजकल आते हैं यार 15 लाख। कभी ये डायरेक्टर बताता है कितने पैसे लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिलाल भाई कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है जिसके साथ वाकई कि हाँ यार इसके साथ कोलैबोरेशन करनी है? फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, सारे गाने मैंने अपने खुद ही लिखे और कंपोज किए हैं। सो जब भी कोई अगर ऑफर करे कॉम्पोजिशन तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई फील वो एक जो सिंगर वाला पार्ट है वो खुश होता है, अच्छा ठीक है यार, यू नो कंसीडर्ड के यार गाएं गाना। नहीं नहीं ये बड़ी अच्छी बात है और वाकई मेरा ख्याल है कि अब वो दौर है जरा कोलैबोरेशंस का, कि मतलब आप सिंगरों के हुमायूं सईद हैं। कह सकते हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जी मुझे बताइए, ऑब्वियस बात है इंडस्ट्री में आपने होस्टिंग भी की है, आप अब एज अ प्रोफेशन आप एज अ डॉक्टर भी हैं, ज्यादा अच्छी हैट कौन सी आपको लगती है, एंटरटेनमेंट वाली या मेडिसिन वाली? मेडिसिन वाली। अच्छा पैसा बढ़ेगा? पैसे की बात नहीं है फिर। प्रॉब्ली हमेशा से ऐसा था, तो वो मेरा कोई इस तरह से नहीं था, मेरी जरूरत थी तो मैंने शोबिज। बट यू रियली एंजॉय, पैसे बड़े अच्छे मिलते थे उसको, लेकिन अब मैं एंजॉय वही करती हूँ जो मेरा प्रोफेशन है। अदनान भाई ऑब्वियस ही बात है, इमरान और अमर आपके दो लीडिंग एक्टर्स हैं, अगली कौन सी जोड़ी ऐसी आपके माइंड में है कि यार इन दोनों की पेयरिंग अगर करूं तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा प्लान नहीं होता, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। अमर एंड आई स्टिल वर्किंग ऑन अ स्टोरी फॉर अ फिल्म। अच्छा जी, नेक्स्ट फिल्म? जी जी इंशाल्लाह। तो